सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोकोच्चारण। तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् कश्मलम् इदं विषमे अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन स्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपः पण्यदोषो अपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचिता यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति शरीराणि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मोक्षस्य महीम् उत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चयः अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् आज तो आप सूर्य से बात करके आए होंगे, करके आए कौन कौन करके आए? नीचे कर लो। कौन कौन नहीं कर पाए? आप लोगों ने नहीं की?
कुछ को तो इतना भी टाइम नहीं है कि मतलब जो जीवन दे रहा उससे तो बात कर ले कम से कम, इतने बिजी हो गए। चलो जो करके आए बात वो बताओ, क्या क्या संदेश दिया, क्या बातचीत हुई आपकी सूर्य से? ये बातचीत करना सीखो, लोगों से तो बहुत बातचीत कर ली, बहुत संबंध बना लिए लोगों से, वो क्या क्या कहते हैं वो भी पता चल गया। अब जरा प्रकृति से भी संबंध बनाओ। ये मनुष्यों की रचना भी किसने की है? भगवान ने। और प्रकृति की भी रचना किसने की है? भगवान ने। तो दोनों भगवान की ही रचना है ना, तो भगवान की रचना ये जो मनुष्य है इनसे तो बात करके देख ली, तो पता लग गया कि इनके सब के अंदर लगभग लगभग क्या भरा हुआ है वो सब मालूम है ना, थोड़ा ज्यादा जो भरा है सबके अंदर वो पता लग गया। उसके अंदर भी तो देखो ना उसके अंदर क्या भरा है, थोड़ी बात उससे भी करो तो बताएंगे। आज सूर्य से जो बात करके आए हैं, किस किस ने हाथ उठाए थे बताओ अपना अपना। जी आप बोलो। मेरे को एक मिनट के लिए दो बार किया, एक एक ही वाक्य में बताना है आपको आज के लिए क्या मैसेज दिया। ज्ञान मतलब नया ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ो, ऐसे कुछ ऐसे बोला। ठीक हाँ, आज नया दिन मिला इसलिए डेली क्लोजिंग का कार्य आज का बहुत अच्छी बात है। जी जैसे रात का अंधेरे को सूर्य हटा देता है, ऐसे ही हम हमारे अज्ञान को हटा दें। और ऐसे प्रार्थना की आपने जैसे आपने अंधकार को हटा दिया है, हमको ऐसे सीखने को मिलता है सूर्य से। जैसे आपने अंधकार को मिटा दिया ऐसे हम अपने अज्ञान को मिटा दें, बहुत अच्छी बात। हाँ जी माइक देते जाओ, अब माइक में ही बता देंगे अपने, ऑन ही है। सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है हर प्रकार से, मतलब जिस प्रकार वो प्रत्येक दिन मतलब समय एक समय लिया क्या आपने एक वाक्य में बोल उनका नियम वो अपने हाँ, समय से टाइम की पंक्चुअलिटी, कभी छुट्टी नहीं करते हैं, सतत सेवा करते हैं। हाँ जी बताओ आगे चल। हाँ। ओम दीदी, जिस प्रकार सूर्य बढ़ता जाता है अपना प्रकाश वही तेजी से, ऐसे ही हम अपने ज्ञान को और जीवन में बढ़ाते जाएं, कम ना होने दें, कम ना होने दें। बहुत अच्छा जी। ओम दीदी प्रणाम। जिस प्रकार आगे की सारी पंक्ति मतलब नहीं बात करके आई पुरुषार्थ देव जी, ये आगे वाले क्या नाम है भाई, बीमार है विमल मेरे को सुना बीमार है नाम विमल, विमल माने होता है बहुत पवित्र। जिस प्रकार से सूर्य हमको जो है निष्काम भाव से प्रतिदिन जो है प्रकाशित करता है, पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से हम सूर्य के जो है अनुरूप जो है हम विद्या रूपी ज्ञान से प्रकाश से संपूर्ण समाज का कल्याण करें, ये मैंने सीखा जी। आगे जब तक सूरज आसमान पे बढ़ता चल तो चलता चल, जब तक सूरज आसमान पे तब तक बढ़ता चल तो चलता चल, ऐसे बोले ऐसा। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या आप करे गए था क्या? हाँ जैसे हम छुट्टी मना लेते हैं सूरज की, छुट्टी नहीं मनाता, बोर भी नहीं होता, एक एक काम करके बोर भी नहीं होता सूरज, हम बोर हो जाते हैं संडे को हम छुट्टी मना लेते हैं। अलग चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए उसको, आपको उनको नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात, आज से मुझे लगता है संडे की छुट्टी खत्म हो जाएगी। और दोनों पीछे रख क्यों लिया, औरों को भी तो शेयर कर। हाँ सूर्यनारायण भगवान से जब मैंने 15 मिनट बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ईश्वर ने मुझे ठीक है ना, ठीक है सही बोल रहे बनाया है, मैं उनका हूँ मेरे है, जैसे मैं सतत प्रकाश देता रहता हूँ वैसे ही कार्य आपको सतत प्रकाश देने का कार्य करना। हाँ, बहुत अच्छी बात। आप इसलिए हंस रहे हो कि आपने कभी ऐसे बात की नहीं, तो आपको लगता है कि ऐसे थोड़ी सूर्य नारायण बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। उधर दो उस वाली पंक्ति में, ये सारी पंक्ति उसको दो ना। हाँ बोलो। अपने जीवन में समय का पालन करते हुए हाँ। अपने देश और समाज के लिए निरंतर सेवा का कार्य करते रहना। बहुत अच्छा। इधर इसको बहन को दो आगे। आज नया दिन में कुछ अच्छा कार्य करूं, कुछ नया, मैं कुछ नया सीखूं नया दिन आया।
देखो आपने बात की और उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिस जिसने बात की ना उसमें डेट डाल के, आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2019, तो आज का सूर्य का मेरे लिए संदेश, और कहीं मिल जाए शाम तक, कहीं हवा से, चंद्रमा से, तारों से, दिशाओं से, किसी मनुष्य से, तो वो भी लिख लेना, कोई बात नहीं। पर ये तो आपका अपना है, आपकी कमाई है, ये इसको संभाल के रखना। आपने कमाया है, आपने बातचीत की है, और आप देखना इस तरह से जब आप बात करने लगेंगे ना, तो महीने दो महीने में आपको परिवर्तन दिखाई देगा अपने जीवन में। इससे क्या होता है, एक एकाग्रता, एक कॉन्शियसनेस आती है हमारे दिमाग में, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है अंधकार में, सोए सोए, हमें पता ही नहीं हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रकृति क्या हमें कहना चाह रही है, हम क्यों जगे हैं, आज का दिन क्यों शुरू किया है। अच्छा, कुछ लोगों का तो इतना सोया हुआ है कि दूसरे बात करते हैं तो भी उनको लगता है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, होते हैं ना ऐसे लोग, कुछ उनको दूसरों का इस तरह का चिंतन भी अच्छा नहीं लगता है, काम की बातें करो ना, तो वो इतना ज्यादा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका है कि कोई हंसे तो भी उनको बुरा लगता है, क्या ऐसे दांत निकालते रहते हैं, कोई ऐसे ज्ञान की बात करे तो भी बुरा लगता है। तो ये रोगी के लक्षण होते हैं बीमारी के, बीमार व्यक्ति को कुछ नहीं सुहाता है। जब व्यक्ति बहुत बीमार होता है ना, तो उसके आसपास कोई हंस रहे हो तो बाहर जाके हंसो, यहाँ नहीं हंसना मेरे पास, कोई बात करे तो बोले बात मत करो यहाँ पे, कोई खाना खाए तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई खुश हो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हम, वो रोगी तो बोल देता है, ये रोगी बोलता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से ये कुड़ता रहता है, चिढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है, तो ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। तो देखो कितने लोगों ने बात की तो सबको अलग अलग संदेश मिला। जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं वैसे वैसे प्रकृति हमें आगे बढ़ाती है, और सबका संदेश बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, सारे ही संदेश सूर्य के हैं, जो जो आपने सुना वो सब बिल्कुल ठीक है, और उससे भी हजारों नहीं लाखों मैसेज हो सकते हैं, वो भी सब ठीक ही होंगे। तो हमें ऐसे, हाँ बोलो। अभी मैं सूर्य से बात कर रहा हूँ। अभी चलो कोई बात नहीं, पर सामने खड़े होके किया करो, फोन से नहीं होती है उससे, आमने सामने लाइव किया करो। हाँ चलो बता दो, कोई नहीं अभी भी होगी, कोई बात नहीं। सूर्य का रस में जैसे जीवाणु को नष्ट कर देता है, हाँ, ऐसे हमारा मन का भी जो विकार है, हाँ, ऐसे प्रत्येक दिन नष्ट कर दीजिए। जैसे आपकी रश्मि सब जगह पहुंच करके अंधकार का नाश करती हैं, तो हमारे मन तक भी पहुंच जाओ, हमारे मन के भी विकारों का नाश कर दो, ऐसे बोला। हाँ, तो ये आपकी प्रार्थना है, लेकिन अब उधर से क्या आंसर आया वो कल बताना, उनके सामने खड़े होकर के पूछना, ये तो प्रार्थना हो गई आपकी, तो अभी तो माइक दे दो, आपकी प्रार्थना पहुंच गई वहां तक, अब कल उत्तर सुन के आना वो क्या उत्तर देते हैं आपको। प्रार्थना भी इसीलिए हमारी फलीभूत नहीं होती, हम अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। कई बार आप देखते हो ना, कुछ कुछ विद्यार्थी जैसे क्लास में मेरे से प्रश्न करते हैं, तो पहले एक प्रश्न किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अभी मैंने पहले का तो उत्तर देने दे मेरे बापू, उस साथ 5-6 प्रश्न बोले जा रहे हैं, उसको इतना भी अवकाश नहीं कि उत्तर तो सुन लूं, 1 by 1 पूछो। तो ऐसे ही हम ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, पर ईश्वर क्या उत्तर दे रहा है वो सुनने की फुर्सत नहीं है। तो जब अपने हृदय में कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कोई अपने को आगे का डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसमें अपने को डिस्कशन करना है, तो आप कर लो, लेकिन वो सारा बोलने के बाद फिर शांत होके बैठ जाओ, और उधर से क्या उत्तर आ रहा है उसका इंतजार करो, उत्तर आता है और थोड़े दिन में आपको सुनने भी लग जाएगा। अभी तो आपको लगेगा हम तो बैठे हैं कुछ सुन ही नहीं रहा वो क्या कह रही, तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा आपको मौन होना पड़ेगा, सुनेगा
जितने बाहर के उत्तर होते हैं ना उनसे कहीं ज्यादा स्पष्ट उत्तर होंगे वो। और ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ना इसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी समय के साथ साथ, तो उसको करते रहना। अब मैं मेरा बता दूं, मेरा भी बता देती हूँ ना, शेयर करने से क्या पता वो अच्छी अच्छी बातों को तो खूब शेयर करना चाहिए, उल्टी उल्टी बातों को लोग शेयर करते रहते हैं, अपना दिमाग पहले खराब करते हैं फिर कईयों का और करते हैं। तो सूरज हमें ये मैसेज देता है कि ज्वलनशील पदार्थ धरती में बहुत गड़े हैं, गैसें हैं, पेट्रोल है, ऐसे बहुत सारी गैस है ना ज्वलनशील हैं, जो पेट्रोल दबा पड़ा है बहुत सारा है ऐसा, लेकिन वो तब तक सूरज नहीं बन सकते हैं जब तक वो जलते नहीं है। और सूरज जो है वो जल रहा है, और इसको कब तक जलना है, जब तक धरती का समस्त अंधकार ना मिट जाए और जब तक पृथ्वी के ऊपर एक प्राणी भी है उसकी भी जीवन की रक्षा करने के लिए सूरज हमेशा जलता ही रहेगा। तो सूरज की तरह जिसको अपना जीवन बनाना है उस व्यक्ति को ये चाहिए कि उसके सामने अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आए तो वो व्यक्ति क्या बोले अपने आप से, सूरज रे जलते रहना। हम भी तो सूर्य का ही एक प्रतिरूप है ना, तो हमें हमारा काम क्या है, जब तक समाज में राष्ट्र में और सबसे पहले अपने अंदर, जब तक सारा अंधकार समाप्त ना हो जाए तब तक जलते रहना। तेरा भाग्य क्या है, जलते रहने का और चलते रहने का। जब तक सबको जीवन ना मिल जाए, जब तक मुझे जीवन ना मिल जाए और जब तक एक एक व्यक्ति को जीवन ना मिल जाए समाज में राष्ट्र में, तब तक जलते रहना। कोई है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का अभी का लाइव उदाहरण देखना है तो स्वामी जी महाराज हैं। वो 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे जलते हैं सूरज की तरह से, और कब तक जलते रहेंगे, जब तक इस देश के एक एक व्यक्ति का योग के माध्यम से उद्धार ना हो जाए तब तक चल रही हैं, जल रही हैं। दूसरे लोग क्या देते हैं सूर्य को, अर्घ देते हैं कि उसकी निंदा करते हैं या उसको हाथ जोड़ते हैं, सूर्य को कुछ लेना देना नहीं है उससे। हम प्रार्थना करते हैं तो इससे सूर्य खुश हो जाते हैं, हम नहीं देखते हैं तो सूर्य नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका प्रयोजन है जलते रहना, लोगों को जीवन देते रहना, लोगों को प्रकाश देते रहना, यही उसका काम है। आपने देखा सुबह सुबह तो सब प्रणाम करते हैं सूर्य को, शाम को कोई नहीं करता है, लेकिन सूरज कहता है शाम को हम क्यों नहीं करते हैं, बोल जी हमारा तो जितना काम करना था कर दिया, अब यदि इसको प्रणाम करना है तो अमेरिका वाले करें, हम क्यों करें, तो जा रहा है ना अभी। और सुबह क्योंकि हमारे सारे कार्य व्यवहार होंगे आपकी उपस्थिति में तो इसलिए प्रणाम करते हैं, लेकिन सूरज जब सुबह उदय होता है तब भी उसका लाल रंग होता है और अस्त होता है तब भी वैसा ही रंग होता है, वो दोनों स्थितियों में समान रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो ऐसे सेवा परायण लोग हैं समाज में सूरज की तरह से, महापुरुषों को सूरज कहा जाता है, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ऋषि देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। हम प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेहरा। तो ऐसे एक सूर्य में ऋषि दयानंद थे, ऐसे ही सूर्य हमारे सब ऋषि मुनि थे, ऐसे ही एक सूर्य हमारे श्रद्धे स्वामी जी महाराज हैं। तो वो जलते ही जा रहे हैं, लोग उनको क्या दे रहे हैं उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन किसके लिए है, करोड़ों को जीवन देने के लिए इस व्यक्ति का जीवन है। सूरज सबको जीवन दे रहा है इसके लिए सूरज का जीवन है, इसलिए वो जीवन दिए ही जा रहा है। तो महापुरुष सबको जीवन दिए ही जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जलते ही रहना होगा,
जलते ही रहने का मतलब है निस्वार्थ भाव से परोपकार करते ही जाना है। ये नहीं सोचना है कि अब तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, अब तो कोई पूछता ही नहीं है, अब तो सब नए नए सिपाही आ गए तो भी तेरा भाग्य तो है जलते रहना, तू तो चलते रहना। तो मेरा मैसेज थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका, एक एक लाइन का था। तो ऐसे आप रोजाना प्रकृति से बात करें, सूरज से करें, वायु से करें, पानी से करें, जब अन्न खाते हैं तो उस थाली में रखे हुए उस अन्न से करें, जो फूल खिल रहा है उसके साथ भी करें, थोड़ा तो संबंध बनाओ उसके बीच में रहते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ तो चेंज आएगा आपके अंदर। वो भी आपसे बात करेंगे और वो कर ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे। तो अब हम गीता पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे थे सर्गाणाम आदि रंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादह प्रवदताम अहम। तो ये पहले भी आ गया था जब विभूतियों का प्रारंभ किया, उस समय पहले ही श्लोक में कहा था यही 10वें अध्याय में ही कि मैं इस सर्ग के आदि अंत और मध्य में मैं ही रहता हूँ। अब फिर उस बात को दोहरा दिया एक बार, अभी विभूतियां समाप्त नहीं हुई हैं, विभूतियों का वर्णन करते करते बीच में एक बार फिर याद दिला दिया कि विभूतियां तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले आपको वहां पहचानना आ जाए तो आप सामान्य स्थान में, सामान्य व्यक्ति और वस्तु में भी मुझे पहचान पाएंगे। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं सतत तेरा चिंतन कैसे करूं, क्योंकि सतत तो मुझे दुनियादारी के 50 काम निपटाने होते हैं, तो सतत चिंतन भजन स्मरण कैसे कर सकते हैं हम आपका। तो इन्होंने कहा उसका उपाय ये है कि पहले जहां जहां तेरा ध्यान जाता है ना वहां वहां पहचानना शुरू कर ले, जहां जहां भी तेरा चित्त चला जाता है वहां वहां पहले मेरे, क्योंकि चित्त कहां जाएगा जहां कोई विशेषता दिखेगी, या तो कहीं उस व्यक्ति में जाएगा जो अत्यंत प्रीति कर रहा है, या तो उस व्यक्ति में जाएगा जो अत्यंत द्वेष कर रहा है, या उस स्थान में जाएगा जो औरों से बिल्कुल अलग है, जैसे कि सूर्य, जैसे कि सागर। तो पहले वहां वहां तू मेरे को पहचानना सीख ले और फिर तू सब जगह मेरे को ही देख पाएगा। एक जगह तुझे इसकी पहचान हो गई तो छोटे बच्चे को बड़ा अ लिख के समझाया जाता है ना, अ अनार, तो अब उसके दिमाग में बैठ गया कि इसको अ कहते हैं। अब वो कितने भी अक्षरों में, शब्दों में अकार आए वो सब जगह पहचान जाएगा कि ये वो ही अ अनार वाला अ है। फिर वो संयुक्त अक्षर में भी पहचान जाएगा, यह एक बार देख लिया उसने, पहचान लिया, जय को एक बार देख लिया, जय फोर जेब्रा, जहाज, जग, बहुत बन सकते हैं, तो जो बच्चे को समझ आए वो समझा देना। तो जो जेब्रा में जय था, जेब्रा में तो संयुक्त हो गया, खाली एक अक्षर का बताओ, जहाज, ठीक है, या जग, तो उसमें जय पहचान लिया। तो अब जय में भी वही है, जय प्लस यज्ञ बोलते हैं ना, तो संयुक्त अक्षर में भी आप पहचान लेंगे कि वहां ये के साथ मिला हुआ है, वही जय है ये भी। अगर आप अलग अलग अक्षर में पहचान गए तो संयुक्त अक्षर में भी पहचान लेंगे। अगर आपने राम में उस ब्रह्म तत्व को पहचान लिया तो रावण में भी पहचान लेंगे। राम बड़ा अक्षर है और रावण संयुक्त अक्षर है, जैसे कि जय में जय प्लस ये मिला हुआ है ना, ऐसे रावण में ब्रह्म मिला हुआ है। शुरू में रावण में पहचानना बड़ा मुश्किल है, जिससे प्रीति करते हैं उसमें तो ब्रह्म पहचान लेंगे, गुरु में, माता पिता में, किसी दोस्त में, मित्र में, जो भी अपना श्रद्धेय है उसमें तो, लेकिन जो अपने से द्वेष कर रहा है उसमें ब्रह्म को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे उसमें कैसे ब्रह्म हो सकता, उसमें भी वही है। तो ये विभूतियों में वही बता रहे हैं, विभूतियों में केवल अच्छा अच्छा ही नहीं बता रहे, विशेषता बता रहे हैं। इसलिए दैत्यों का भी वर्णन आया ना, दैत्यों में मैं कौन हूं, प्रहलाद। ऐसा नहीं कि केवल देवों देवों का वर्णन करें, दैत्य भी उसी की संतान है, और दैत्यों में यदि पहचानना है तो प्रहलाद में पहचान लो पहले। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि सर्ग के आदि में भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं, इसलिए मध्य में भी मैं ही हूं, और अध्यात्म विद्या विद्यानाम विद्याओं में मैं
अध्यात्म विद्या हूँ। बहुत सारी विद्याएं हो सकती हैं, कहीं गणित विद्या है, संगीत विद्या है, नृत्य विद्या है, वाक विद्या, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन उन सब में अध्यात्म विद्या को अपनी विभूति बताया भगवान ने। क्यों बताया, क्या विशेषता है इस विद्या में? क्योंकि अन्य विद्याएं जितनी भी आप पढ़ लें, लेकिन उन सब के पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो अभी जानना बाकी है। नारद ने सारी विद्याएं पढ़ ली थी ना, सनत कुमार के पास गए तो उन्होंने बताया मैंने सब पढ़ लिया है, वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद सब पढ़ लिया है, ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन फिर भी मैं शब्दवित हूं, आत्मवित नहीं, कुछ तो ऐसा बचा है जो अभी मुझे जानने योग्य है। तो सारी विद्याओं को जान पाना भी मुश्किल है, और जान भी लें तो भी कुछ तो शेष रह जाता है, लेकिन अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। यदि आपने केवल अध्यात्म विद्या को जान लिया तो फिर आपको कुछ भी जानना शेष नहीं, इसलिए ये विद्या क्या है, सब विद्याओं में विशेष है। ऐसे ही यहाँ गीता में दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया है, राजयोग और ये अध्यात्म विद्या शब्द यहाँ पर आया है। तो राजयोग तो अष्टांग योग को ही कहते हैं, राजयोग का मतलब है सगुण की उपासना, और अध्यात्म विद्या का मतलब है निर्गुण की उपासना। जब सारे संसार में उसको देख करके उसी की हम आराधना कर रहे हैं, ये क्या है, ये राजयोग है, राजविद्या है ये। और जब हम सारे संसार को लेस करके निर्विचार स्थिति में उस शुद्ध चैतन्य को देख रहे हैं, ये क्या है, अध्यात्म विद्या। तो वो ज्यादा सुख देने वाली है। अध्यात्म में विश्राम है, मल ताप त्रय को धो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ अध्यात्म विद्या को भगवान ने अपनी विभूति बताया, ये मेरा ही रूप है, मेरी विभूति है ये अध्यात्म विद्या, इसलिए ये सब विद्याओं में श्रेष्ठ है। प्रवदताम अहम वाद, बातचीत करने के तीन तरीके होते हैं, वाद, जल्प, वितंडा। वाद वो होता है जिसमें दो व्यक्ति परस्पर मिलकर के अपना अपना एक पक्ष लेकर के सत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने पक्ष रखा ईश्वर है, दूसरे व्यक्ति ने पक्ष रखा ईश्वर नहीं है। पहले ने हेतु दिया कि ईश्वर है कैसे, सृष्टि की रचना के देखे जाने से, और उसने हेतु दिया कि जहां जहां रचना होती है वहां वहां कोई तो रचनाकार होता है, जैसे कि घड़ी, उदाहरण दिया कि जैसे घड़ी एक रचना है तो कोई घड़ी को बनाने वाला है। इस व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर नहीं है, क्यों, दिखाई ना देने से, जो जो चीज होती है दिखाई देती है, पुस्तक है तो दिखाई दे रही है, टेबल है तो दिखाई दे रही है, कमरा है तो दिखाई दे रहा है, मनुष्य है तो दिखाई दे रहा है, तो ईश्वर यदि है तो दिखाई देना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है,